हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्री ट्रैक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कृषि से रिलेटेड कुछ प्रमुख क्रांतियों के बारे में, जो कि ICAR, BHU और UP कैटेट जैसे एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला जो है आपका हरित क्रांति, ये आपका खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति है आपका, वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट जो है आपका नीली क्रांति, ये आपका मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। और भूरी जो क्रांति है, ये उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति जो है ये तिलहन उत्पादन से संबंधित है। और कृष्ण क्रांति जो है ये बायोडीजल उत्पादन से संबंधित है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और नेक्स्ट जो आपका है वो लाल क्रांति, ये जो है टमाटर मांस उत्पादन से संबंधित है। कहीं कहीं आपको केवल टमाटर देगा या फिर कहीं कहीं आपको मांस देगा, तो कन्फ्यूजन की इसमें कोई बात नहीं है। टमाटर और मांस से दोनों से संबंधित है लाल क्रांति। नेक्स्ट जो है आपका गुलाबी क्रांति, ये झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट आपका बादामी क्रांति, ये मसाला उत्पादन से संबंधित है। और सुनहरी क्रांति है, ये फल उत्पादन से संबंधित है। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजनाएं से संबंधित है। धूसर स्लेटी क्रांति जो है ये सीमेंट से संबंधित है। गोल क्रांति आपके दोस्तों आलू से संबंधित है। नेक्स्ट जो आपका है इंद्रधनुषी क्रांति जो है ये सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने हेतु, ये इन्होंने जो नीतीश कुमार ने ये चलाया था इंद्रधनुषी क्रांति, जो कि बिहार के CM है। और सनराइज़ या फिर सूर्योदय क्रांति जो है ये इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास हेतु ये चलाया गया था। गंगा क्रांति जो है ये भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने हेतु, यानी कि वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह द्वारा ये चलाया गया था। नेक्स्ट जो आपका है सदाबहार क्रांति, जो कि जैव तकनीकी से रिलेटेड ये क्रांति है। नेक्स्ट जो है आपका सेफ्रॉन क्रांति, जो कि केसर उत्पादन से संबंधित है। स्लेटी ग्रे क्रांति जो है ये उर्वरक के उत्पादन से संबंधित है। हरित सोना क्रांति जो है ये बांस उत्पादन से संबंधित है। मूक क्रांति मोटे अनाजों के उत्पादन से संबंधित है। प्रामणी क्रांति जो है ये भिंडी उत्पादन से, यानी कि ये सर दोस्तों गलत टाइप हो गया, परवनी क्रांति जो है ये भिंडी उत्पादन से संबंधित है। और ग्रीन गोल्ड क्रांति जो है ये चाय उत्पादन से संबंधित है। खाद्य श्रृंखला क्रांति, भारतीय कृषकों की 2020 तक आमदनी को क्या करना था, इसमें दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट है आपका खाकी क्रांति, जो कि चमड़ा उत्पादन से। और वाइट गोल्ड क्रांति जो है ये कपास उत्पादन से, ये तीसरी क्रांति थी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो मैं फिर हाजिर हूँ साथ एक नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।